लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। राहुल गांधी जी की मुझे बुद्धि पर तरस आता है। जिस लाल चौक पर ये झंडा फहराया, आज उन्होंने फहराया, उसका श्रेय जाता है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। और धारा 370 नहीं हटी होती, माहौल उसके अनुकूल नहीं होता, क्या राहुल गांधी की हिम्मत थी कि लाल चौक को झंडा फहराता? लाल चौक पर झंडा उस समय फहराया है तो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने फहराया। अगर आपको ध्यान होगा, मैं भी उस कार्यक्रम में साथ में था। और शहादत इस आजादी के आंदोलन में भगत सिंह ने दी है, सावरकर ने दी है, चंद्रशेखर आजाद ने दी है। शहादत कोई इनकी बबूती नहीं है, ये तो इनके साथ एक हादसा हुआ है। शहादत में और हादसे में बहुत अंतर होता है, लेकिन अब जिसकी जितनी बुद्धि होती है उतनी बात करता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। आज गणेश जोशी ने एक बहुत ही निम्न स्तर का बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ वो शहादत नहीं हादसा थे। ऐसे में अपनों को खोने का दर्द शायद गणेश जोशी नहीं समझ सकते। लाल चौक पर झंडा फहराने का श्रेय भी वो मोदी जी को देते हुए नजर आए। वो शायद ये भूल रहे हैं कि आज से 75 साल पहले जवाहरलाल नेहरू जी लाल चौक पर झंडा फहरा चुके थे, जब मोदी जी पैदा भी नहीं हुए थे। ऐसे में राहुल गांधी को डराया गया, धमकाया गया कि उन पर ग्रेनेड फेंका जा सकता है और उनको अपनी श्रीनगर की यात्रा स्थगित करनी चाहिए। ये साहस और निर्भीकता राहुल गांधी की ही थी कि उन्होंने जो वादा देश की जनता से किया, कांग्रेस जनों से किया, उसे निभाया। और गणेश जोशी शहादत में और हादसे में शायद अंतर करना भूल चुके हैं, क्योंकि संघियों में या भाजपाइयों में किसी ने अपना नाखून बराबर योगदान इस देश के लिए नहीं दिया। गुलामी की जंजीरों से कांग्रेस ने इस देश को आजाद कराया और राहुल गांधी की दादी और पिता दोनों ने अपने खून से इस देश की भूमि को सींचा है, तो उसका दर्द वो ही बखूबी जानते हैं। ऐसे में एक बार फिर गणेश जोशी ने अपना बुद्धि और संस्कार दोनों का प्रदर्शन किया है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।